मेरा एक हरियाणवी दोस्त एक दिन मुझको मिला और कहने लगा कि मार्केट में किसी आदमी से कंधा लड़ जाता है तो डर लगता है कि कहीं वो कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट ना हो। कांग्रेस के अंदर हरियाणा में इतने सीएम फेस हो गए हैं जितनी हरियाणा की आबादी है। मजाक से हटते हैं, पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं हूँ वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। यार अब ये मजाक की बात नहीं रह गई है, हरियाणा में कांग्रेस का हर सीनियर नेता अपने आप को सीएम का फेस देखता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा से चौधरी उदयभान तक, हर कोई अपने आप को सीएम का फेस देख रहा है। अच्छा भैया देखे भी क्यों ना, पिछले 10 सालों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। 2019 में 90 सीटों में 41 सीटें भाजपा को मिली थी और 31 सीट कांग्रेस को मिली थी। अब यहाँ कांग्रेस को लगा कि वो सरकार बनाते बनाते भैया रह गए। अब बची कुची उम्मीद जाग उठी जब कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर 10 लोकसभाओं में 5 पर जीत दर्ज कर ली और उन्हें ये लगने लगा कि भैया अब तो जीत पक्की है, इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री वाले नेम की प्लेट छपवाना शुरू कर दी। हुड्डा से लेकर सुरजेवाला तक हर बड़ा नेता खुद को सीएम मानकर बैठ गया है। हुड्डा को लगता है कि वो तो भैया हरियाणा के सीएम रहे हैं, सबसे बड़े जाट नेता हैं, सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं, तो उनका हक तो बनता ही है। वहीं कुमारी शैलजा जी को लगता है पार्टी का दलित फेस है, महिला फेस है, इतनी बार सांसद रही तो उनको सीएम बनाया ही जा सकता है। और कुमारी शैलजा तो इतना ओवर एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री अपने आप को बनवाने के लिए कैंपेन भी चलवा दिया था। बात करें सुरजेवाला की, सुरजेवाला भी हरियाणा के हैं तो उनको लगता है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस के हर ऊंच नीच में उनके साथ खड़े रहते हैं, राहुल गांधी को ढकने का काम करते हैं कि हाँ भैया इस स्टेट में कांग्रेस हार गई, राहुल गांधी की गलती नहीं है, उनकी गलतियों का एक तरीके से छुपाने का काम करते हैं, तो पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में भी भैया बोला था कि महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है और महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं। बसते हैं चौधरी उदयभान, उनको भी लग रहा है अगर हरियाणा में दलित सीएम के फेस की बात होगी तो क्या पता कुमारी शैलजा की जगह उनका ही नंबर आ जाए। अब दीपेंद्र हुड्डा, उनको भी लगता है कि पिताजी की उम्र हो रही है, हो सकता है कोई युवा चेहरा देखने के लिए पार्टी उतावली हो तो मेरा ही नाम आ जाए। जिस तरीके से ये कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में वो दो चीज़ें भूल गए, पहला ये कि भैया अभी हरियाणा में चुनाव नहीं हुआ है और बीजेपी भी मैदान में है, वो ऐसे तो जीतने नहीं देगी, दूसरी बात ये भूले कि इनको सीएम बनने के लिए विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के 37 सीटों पर 39 नेता बागी हो गए, यानी टिकट ना मिलने की वजह से विरोध में चले गए, या तो ये दूसरी पार्टी चले गए या फिर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया। कांग्रेस ये भी भूल गई कि पिछली बार जननायक जनता पार्टी ने भी 10 सीटें जीती थी और इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला और मायावती का गठबंधन भी है और हरियाणा में रिपोर्ट के मुताबिक हर बार हर चुनाव में 20-30% वोट जो है अन्य दलों को मिलता ही मिलता है। और भैया अगर गलती से इनको 10-12 सीटें मिल गई तो सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। कांग्रेस के सामने तो एग्जाम्पल भी है छत्तीसगढ़ का, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव लड़ते रहे, उसने देश में कांग्रेस का मजाक बना दिया, भैया ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो देश प्रदेश की भलाई क्या करेंगे। अब रिजल्ट आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हो गई। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है राजस्थान, जहाँ कांग्रेस राजस्थान के अंदर जो है सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन वहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी, खूब लड़ाइयाँ, एक दूसरे फमला, ये भैया वो ऐसे, और इसी ने कांग्रेस का सारा मामला खराब कर दिया। यानी कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई ने हमेशा ही कांग्रेस का काम बिगाड़ा है और हरियाणा में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है जैसी राजस्थान छत्तीसगढ़ में दिखी। पंजाब और मध्य प्रदेश भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां आपसी लड़ाइयों ने कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। तो भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी सीएम बनने के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरह चुनाव हार जाए और लगातार तीसरी बार हरियाणा में चुनाव हार जाए। आप बताइए कि कांग्रेस की आपसी कलह क्या एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस को हार का मुंह दिखाएगी?
या भैया किसी तरीके से आना टोला करके जीत जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।